और मुख्यमंत्री योगी इस वक्त जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें, लखनऊ के उनके आधिकारिक आवास की तस्वीरें देखिए। जनता दरबार में लोग पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याएं लेकर, अपनी फरियाद लेकर, और अगर कहीं उन्हें प्रशासन से या सरकारी अधिकारियों से समस्या है तो भी वो मुख्यमंत्री को बताते हैं और मुख्यमंत्री बहुत धैर्य से सुनते हैं। लिखित जो शिकायत है उस पर भी एक नज़र डालते हैं, उसको भी पढ़ते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं साथ में जबानी तौर पर, और उसे जो साथ में अधिकारी मौजूद होते हैं उनको फौरन अग्रसारित करते हैं, उन्हें बताते हैं इस पर कार्रवाई के लिए। तो ये तस्वीरें लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके आवास से सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए कैसे फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निरंतर हमने देखा है कि वो इस माध्यम से, इस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके दुख तकलीफ जानते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं और उसके समाधान का प्रयास भी करते हैं। बिजनौर के बनेली नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। इसके चलते स्कूली छात्राएं पानी कम होने के इंतजार में घंटों खड़ी रही, लेकिन पानी का बहाव तेज था, लिहाजा बच्चे वापस लौट गए। थाना अफजलगढ़ के बनेली नदी का ये सारा बिजनौर की तस्वीरें। बनेली नदी में पानी बढ़ा है जैसा कि आप देख पाए। इधर फतेहपुर जिले के हथगांव थाना इलाके में सीओ की अगुवाई में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इनमें सेक्स रैकेट में शामिल 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पैसे और मोबाइल भी बरामद हुए, साथ ही 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की। हालांकि 4 लोग मौके से फरार होने में कामयाब हुए। खबर लखनऊ से है। 12 सितंबर से शुरू होगा सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण, औरैया से यह शुरू होगा। 12 को औरैया, फिर 17 तारीख को फतेहपुर, 18 तारीख को चित्रकूट और 19 को बांदा में समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। 12 सितंबर से दूसरा चरण शुरू हो रहा है समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन का। प्रबुद्ध सम्मेलन, समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन, उसका दूसरा चरण 12 सितंबर से शुरू हो रहा है। औरैया, चित्रकूट, इन तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण होगा, उसके समारोह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में इन दिनों कई जिलों में डेंगू के डंक से दहशत फैली हुई है। डेंगू के कहर की हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद से है, यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए और ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां पर डेंगू से अब तक 54 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 428 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे। दूसरी तस्वीर आगरा से, यहां भी डेंगू के 27 मरीज संदिग्ध मिले हैं, 6 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तीसरी तस्वीर बाराबंकी की, यहां भी एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। बरेली में भी अब तक 1500 से ज्यादा लोगों में मलेरिया की जांच हो चुकी है। कानपुर में डेंगू के 16 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और कोरोना की तर्ज पर डेंगू के हॉटस्पॉट अब यहां पर बनाए जाएंगे। बस्ती में भी वायरल बुखार का कहर दिखाई दे रहा है, यहां तो अस्पतालों में बेड न होने पर बच्चों का इलाज फर्श पर किया जा रहा है। 6 तस्वीरें।